रुद्रप्रयाग के विकासखंड जखोली का भरदार क्षेत्र करीब 70 गांव के लोग बूंद बूंद पानी को मोहताज हैं। बरसात खत्म होते ही प्राकृतिक जल स्रोत सूख जाते हैं, जिस कारण इन गांव में पेयजल का हाहाकार मचा रहता है। आलम यह है कि ग्रामीणों को 200-300 रुपए घोड़े खच्चरों से पानी मंगवाना पड़ता है या फिर मीलों दूर से खड़ी चढ़ाई से पानी ढोना पड़ता है। बच्चे बूढ़े और औरत को दिन भर पानी ढोने का ही कार्य करना पड़ता है। हर बार नेताओं और जिम्मेदारों द्वारा ग्रामीणों को पेयजल की इस विकराल किल्लत से छुटकारा देने का वादा तो किया जाता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में हर बार ग्रामीण ठगे रह जाते हैं। स्थिति ये है कि बिना पानी के भरदार क्षेत्र में भारी पलायन हो गया है। हाँ, मैं बताता हूँ सर आपको। सबसे पहले तो ये है कि हमारे गांव में 1975 को जल निगम द्वारा जो निर्मित की गई है जो लाइन थी वो थी आरोखर्क राजकीय इंटर कॉलेज कोयलाखाल के नाम पे जो योजना थी वो 75 में चालू हुई थी जल संस्थान द्वारा, जिसका हैंड ओवर जल संस्थान को किया गया। तो वो पानी आता है तो, पर वो गर्मियों में वो पानी बिल्कुल सूख जाता है। आजकल जैसे बारिश नहीं है तो बिल्कुल पानी हफ्ता 10 दिन में पानी मिलता है गांव वालों को। तो मेन मुद्दा हमारा जो पानी का है, हमारे गांव से जो आज 75% लोग पलायन कर चुके हैं। भरदार क्षेत्र के करीब 70 गांव को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2006 में जवाड़ी रोठिया ग्राम समूह पेयजल योजना और राज्य सेक्टर ग्रामीण कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार द्वारा 1294.64 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना को लस्तर नदी और खरकवाड़ी गाड़ गदेरे से बनाया जाना था। इस पेयजल योजना के निर्माण का जिम्मा रुद्रप्रयाग पेयजल निगम को दिया गया था। योजना को दो चरणों में बनाते हुए प्रथम चरण में 52 गांव को पेयजल उपलब्ध करवाया था, जबकि दूसरे चरण में सबसे ऊंचाई पर बसे पीला खाल गांव समेत उनके आसपास के 20 गांव को जोड़ा जाना था, लेकिन विभाग द्वारा पूरे पैसे खर्च करने के बावजूद भी ग्रामीणों के हलक तर नहीं कर पाए। रुद्रप्रयाग जनपद में भरदार क्षेत्र एकमात्र ऐसा इलाका है जहाँ पर पानी का बहुत बड़ा संकट है, और ये संकट आज से नहीं है, ये संकट कई सालों से चला रहा है। इसके बावजूद जो भरदार पेयजल योजना थी उस पर अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। फर्स्ट फेज में जो काम होना था वो अभी भी अधर में लटका हुआ है। दूसरे फेज में यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू होना था, जिसके चलते जो क्वीला खाल है, इसके अलावा जो अन्य गांव है आसपास के, वहाँ पर पानी की आपूर्ति होनी थी, लेकिन पैसा स्वीकृत न होने की वजह से उस योजना पर भी काम शुरू नहीं हो पाया है। और ऐसे में इस पूरे इलाके में पानी का बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। लोग पेयजल दूर कहीं स्रोतों से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। वहीं रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी ने आरोप लगाया है कि इस पेयजल योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। राजावाड़ी एक ग्रेविटी स्कीम है, और सन 2006 में जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर थी, उस समय नारायण दत्त तिवारी माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में और अमृता रावत जी इस जिले की प्रभारी मंत्री होती थी, तब इस योजना को स्वीकृति मिली थी। 12 करोड़ रुपए इसमें स्वीकृत हुआ था, लेकिन 2007 में के बाद जो स्थानीय विधायक थे उनके किसी निकटस्थ रिश्तेदार को इस योजना का काम दिया गया, और 2017 तक जब मैं विधायक बना तब तक वो 12 करोड़ रुपए ठिकाने लगाए जा चुके थे। एक भी व्यक्ति को उसका कोई लाभ नहीं मिला। उत्तराखंड शासन द्वारा पेयजल निगम को 994.864 लाख की धनराशि भी अवमुक्त की गई, लेकिन तय समय से एक वर्ष से अधिक पूरा होने के बाद भी ये योजना पूर्ण नहीं हो पाई। अब निर्माणदायी संस्था पेयजल निगम योजना पूरा न होने का जिम्मेदार लोक निर्माण विभाग को ठहरा रहा है। कोयलाखाल क्षेत्र में पूर्व से ही कोयलाखाल हो गया, सोनाखाल हो गया, कांडा हो गया, इन क्षेत्रों में ही स्रोत पे जो आप स्रोत टेप किया उसमें पानी कम है, तो जितना पानी उतना ही उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है कि वहाँ पे पूर्व से ही पानी काफ़ी कम मात्रा में है, पर्याप्त पानी नहीं है। उसके लिए जल निगम के द्वारा वहाँ पर एक नई योजना का निर्माण किया जा रहा है, जो लस्तर से आएगी वो योजना, जैसे योजना कंप्लीट होगी तो उससे वहाँ पे इतने क्षेत्र में समस्या नहीं रहेगी पानी की। उधर जल निगम का कहना है कि लोक निर्माण विभाग की निर्माणाधीन पयाथाल त्यूखर मोटर मार्ग के कारण योजना की पाइपलाइन को क्षति पहुंचाया गया है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए जल निगम द्वारा लोक निर्माण विभाग को 94.4 लाख रुपए का प्राकलन भेजा गया था, जिसमें अब तक केवल 10 लाख ही मिल पाए हैं।
जिस कारण पेयजल का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। ये जिस योजना की आप बात कर रहे हैं, चौड़ी रोटिया ग्राम समूह पेयजल योजना के नाम से है, और ये 2006 में सैंक्शन मिली थी इसकी, लेकिन वन भूमि विवाद के कारण या सैंक्शन न मिलने के कारण ये 2013 तक लंबित रही, और 2013 में इसकी वन भूमि की स्वीकृति मिली है। उसके पश्चात इसके ग्रेविटी में इनके काम शुरू हुए हैं, जो 50 किलोमीटर लाइन इसमें पूरी बिछ चुकी है ग्रेविटी में, और इसके वितरण प्रणाली के कार्य लगभग 90% पूरे हो चुके हैं, जिसमें आजकल घर घर कनेक्शन के काम चालू है। इसमें PWD की वजह से जो पहिया ताल त्योंखर रोड कटिंग चल रही है, उससे हमारी 1.5 किलोमीटर ग्रेविटी में लोंगाकी के निकट क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसमें हमने उनको DPR भेजी हुई थी, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने मात्र अभी 10 लाख रुपये दिया हुआ है। उसके बाद उसके अलावा कोई अलाइनमेंट नहीं है, तो इसमें फॉरेस्ट की भी सेंक्शन हमें दोबारा नहीं मिल पा रही है। तो इसमें यह डिसीजन हुआ है कि PWD की जो रोड कटी है उसी में लाइन बिछाई जाएगी, जिस हेतु उनके द्वारा अभी बैलेंस धनराशि दी जानी है, और जो रोड कटिंग का मलबा पड़ा हुआ है उसको साफ कर देंगे। वर्ष 2006 में स्वीकृत हुई जवाड़ी रोटिया ग्राम समूह पेयजल योजना को पेयजल निगम 14 वर्षों में भी पूरा नहीं कर पाया, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन विभागीय दावों पेचों में उलझी ये पेयजल योजना कब पूरी होगी, इस सवाल का जवाब भरदार की जनता मांग रही है। बहरहाल भरदार के 70 से अधिक गांव आज पेयजल निगम और जन प्रतिनिधियों के उदासीन रवैये के कारण बिन पानी त्रस्त नजर आ रहे हैं। प्रयागराज से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।